नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि होंगे 1 से 15 अक्टूबर 2018 के, जो कि आपकी आगामी हर परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एचपीएससी हो, या चाहे एचएसएससी। हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा हमारा पार्ट वन। इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड भी आएगा, जो कि होगा 16 से 30 अक्टूबर का। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके और उसका फ़ायदा आप आगामी परीक्षाओं में उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत और जिस देश ने सैन्य सहयोग, विशेषकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, तो वो देश है कजाकिस्तान। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो है अक्टूबर महीने का, तो यहाँ पर सारी बातें होंगी अक्टूबर महीने में के बारे में। हो सकता है कि अगले महीने में या किसी दूसरे महीने में किसी अन्य देश के साथ भी इस तरह का समझौता हो जाए, तो ये सिर्फ अक्टूबर महीने के बारे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर महीने में सैन्य सहयोग, विशेषकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ सहमति हुई है, तो वो है कजाकिस्तान। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के जिस शहर में 5 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ या शुरू हुआ, तो वो देश है, वो जगह है लखनऊ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, उसमें आपको ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है और वहाँ पर आपको ऑप्शन लखनऊ भी मिल सकता है। अगर वहाँ पर लखनऊ दिया गया है, तो आपको उसका आंसर लिखना है लखनऊ। अगर लखनऊ नहीं है, राज्य का नाम है, तो वहाँ पर आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 का आयोजन कब से शुरू हुआ, तो उसका आंसर होगा 5 अक्टूबर 2018। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ राजकोट में जारी पहले टेस्ट में 4 अक्टूबर 2018 को विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अपना कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया है, तो विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर 30वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए कितने साल की जेल की सज़ा सुनाई है, तो इनको 15 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। हिग्स बोसान कण को द गॉड पार्टिकल का नाम देने वाले जिस नोबेल पुरस्कार विजेता का 96 साल की आयु में निधन हो गया, तो वो हैं लियोन लेडरमैन। हाल ही में सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा जारी की गई है, इस सुविधा का नाम क्या है, तो इस सुविधा का नाम रखा गया है डीजी यात्रा, जिसके द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी है। भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो भारत ने कुल 8 ऐसे समझौते थे, जो कि रक्षा संबंधी समझौते भी शामिल थे, उसके अलावा भी कुछ समझौते इसमें शामिल थे, जिस पर व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए, जिसमें कि S-400 का समझौता भी शामिल था। भारत रूस से 5 S-400 के सेल्स खरीदेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी विवादों में भी रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को चेताया था अगर उसने ये समझौता रूस के साथ किया, तो भारत पर काट्सा के तहत कार्रवाई करेगा। तो आगे आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि अमेरिका इसके खिलाफ क्या कार्रवाई लेता है, या भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई अमेरिका लेता है। उसके बाद है भारतीय मूल की वह अधिकारी जिसे हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वह रीता बर्नवाल।
साल 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस यजीदी दुष्कर्म पीड़िता को संयुक्त रूप से कांगो के डॉक्टर मुकवेगे के साथ चयनित किया गया है, तो वो है नादिया मुराद। 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जो हैं डॉक्टर मुकवेगे और दूसरे हैं नादिया मुराद। भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो वो है मदन भीमराव, जिनको कि भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर बताया है कि अफसरों को अब अपने घर से ऑफिस जाने और 1000 किलोमीटर तक गैर आधिकारिक यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये देने होंगे, तो वो है हरियाणा सरकार। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया है, तो वो देश है हमारा प्यारा भारत। भारत ने इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के कारण हुई त्रासदी के समय मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च की है। आपसे आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस लिए लॉन्च की, तो वो लॉन्च की गई थी इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए। इंग्लैंड के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह हैं एंड्रू स्टोस, जिन्होंने कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हैं, आरबीआई ने हाल ही में नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, वो है फेडरल बैंक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 अक्टूबर 2018 को जिस जस्टिस को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है, वो कौन है, तो वो हैं श्री रंजन गोगोई, जिनको कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 3 अक्टूबर 2018 को दिलाई गई है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा, जिनका स्थान लिया है श्री रंजन गोगोई ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में भारत और किस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो वो देश है रूस। चंदा कोचर के स्थान पर इन्हें हाल ही में ICICI बैंक का MD और CEO बनाया गया है, तो वो हैं संदीप बख्शी, जिनको कि चंदा कोचर के स्थान पर ICICI बैंक का MD और CEO बनाया गया है। वो राज्य जहां मुंबई के बाद स्वच्छ रेल आरंभ की गई है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में स्वच्छ रेल का आरंभ किया गया है। मुंबई के बाद दिल्ली दूसरा ऐसा स्थान है जहां इस को आरंभ किया गया है। उसके बाद है वो बैंक जिसने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का उद्यमी जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा लॉन्च किया है, तो वो है सिडबी बैंक, जिसने कि उद्यम अभिलाषा को लॉन्च किया है। नोबेल पुरस्कार की रसायन विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किए जाने वाले वैज्ञानिकों में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ के अलावा तीसरे वैज्ञानिक कौन हैं, तो हैं ग्रिगोरी विंटर। साल 2018 का रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, तो वो हैं अमेरिका के फ्रांसिस अर्नोल्ड और जॉर्ज पी स्मिथ, और तीसरे हैं ग्रिगोरी विंटर। वो स्थान जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन किया गया है, तो वो हैं नई दिल्ली। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने हाल ही में वैश्विक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वो हैं UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। इस देश को हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों का आयोजक चयनित किया गया है, तो वो है अर्जेंटीना। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान के NIPM रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वो हैं डॉक्टर तपन कुमार चंद, जिनको कि
राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान के NIPM रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हैं, इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है, तो वो हैं जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है, और जिन्होंने स्थान लिया है जस्टिस दीपक मिश्रा का। उसके बाद है, किनको हाल ही में महानिदेशक एयर OPS के रूप में पदभार दिया गया है, तो वो है एयर मार्शल अमित देव, जिनको कि महानिदेशक एयर के रूप में कार्यभार दिया गया है। उसके बाद है, वह स्थान जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास IBSAMAR आयोजित किया गया है, तो वह है सिमंस टाउन, जहां पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास का आयोजन किया गया। वो राज्य जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो वो राज्य है हरियाणा। यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, ग्रामीण के मामले में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 दिया गया है हरियाणा को। वो भारतीय मूल की महिला अधिकारी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो वो हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। साल 2018 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें शामिल महिला वैज्ञानिक का नाम है, तो वो हैं डोना स्ट्रिकलैंड, जिनको कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है, तो वो हैं जेम्स पी एलिसन, तासुकु होंजो। इन दोनों को संयुक्त रूप से साल 2018 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2018 से सम्मानित इनको किया गया है। इन्होंने कैंसर के इलाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट खोज इन्होंने की है, जिससे कि कैंसर के इलाज को आसान बनाया जा सकता है। उसके बाद है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के किस जिले के लिए नदी प्रदूषण समाप्ति योजना को मंजूरी दी गई है, तो वो है उधमपुर। किस देश ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसोनिक विमान के 3 मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो देश है चीन। अगर हम बात करें भारत, तो भारत ने अभी तक इस तरह का कोई भी परीक्षण नहीं किया है, यानी कि भारत के पास कोई भी हाइपरसोनिक विमान नहीं है, भारत में इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं भारत कब तक इसमें सफलता हासिल करता है। अमेरिका और जिस देश के बीच 30 सितंबर 2018 को नाफ्टा समझौते को लेकर सहमति बन गई है, तो वो देश है कनाडा। कनाडा और अमेरिका के बीच नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ये काफ़ी बड़ा ट्रेड का एक एग्रीमेंट है जो अमेरिका और कनाडा के बीच, जिसको लेकर 30 सितंबर 2018 को सहमति बन गई है। उसके बाद है, तुर्की में आयोजित वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में लीजा उमरू को हराकर कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इसमें जीता है। उसके बाद है, वो देश जिसके वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में छिपकली की दो नई प्रजातियां मॉन्टाने फॉरेस्ट और स्पिनी हेडेड फॉरेस्ट खोजी हैं, तो वो देश है भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में छिपकली की दो नई प्रजातियों की खोज की है। हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो वो हैं शिखर धवन, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर हैं।
वो राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 190 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का उद्घाटन किया, तो वो राज्य है गुजरात। वह राज्य जिसने चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाने की घोषणा की है, तो वो राज्य है असम। वह तकनीकी कंपनी जिसके साथ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लूर यू अभियान सर आरंभ किया है, तो वो है गूगल। गूगल एप्पल के बाद साल 2018 की सबसे बड़ी कंपनी रही है, यानी कि पहले नंबर पर एप्पल और दूसरे नंबर पर गूगल। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने हेतु किस पहल का आरंभ किया है, तो वो पहल है स्टेट। वो देश जहां टेस्ट ट्यूब तकनीक के द्वारा शेर के शावकों के जन्म में सफलता हासिल की गई है, तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। जिस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO की 17वीं CAHG बैठक आयोजित की गई, तो वो देश है तजाकिस्तान। हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश के बीच समन्वित गश्त का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है, तो वो देश है भारत। भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वित गश्त का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO PS जयकुमार को कितने साल का कार्यकाल का विस्तार दिया है, तो इनको 1 साल का कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है, तो उसका आंसर है PS जयकुमार। निजी इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के किस पूर्व चेयरपर्सन को सलाहकार नियुक्त किया है, तो वो हैं अरुंधति भट्टाचार्य, जिनको कि निजी इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल ने देश के ने सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को मिला है 115वां स्थान। वो देश जिसकी द्वारा निर्मित सोयूज रॉकेट की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी, तो वो देश है रूस। वो नदी जिसके लिए केंद्र सरकार ने पहली बार न्यूनतम मात्रा में पानी के प्रवाह को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो वो नदी है गंगा। असम का वह स्थान जहां हाल ही में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा आरंभ की गई है, तो वो स्थान है माजुली। पर्यावरणविद तथा गंगा एक्ट की मांग करने वाले एक्टिविस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो हैं प्रोफेसर GD अग्रवाल। वोडाफोन महिला सुरक्षा के लिए आरंभ की गई पहल का नाम क्या है, तो उस पहल का नाम है सखी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सखी नामक पहल का शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है, तो वो है वोडाफोन कंपनी, और ये शुरू की है महिला सुरक्षा के लिए। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के मुताबिक जिस साल तक भारत दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश बन जाएगा, तो इसके रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2022 तक दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश बन जाएगा। HSBC की सालाना एक्सपेक्ट एक्सप्लोरर रिपोर्ट के अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, जो कि पिछले 4 साल से इस सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, तो वो देश है सिंगापुर। वो अफ्रीकी देश जिसने चीन के साथ 40 करोड़ डॉलर की लागत वाले ममाहा एयरपोर्ट बनाने का सौदा रद्द कर दिया है, तो वो देश है सीरा लियोन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के मुताबिक सिंगापुर को पछाड़कर जिस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरपोर्ट पासपोर्ट बन गया है, तो वह देश है जापान। दोस्तों, यहाँ पर पासपोर्ट के शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि आप उस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो जापान इस मामले में पहले नंबर पर है। जापान के वीज़ा पासपोर्ट से आप बिना वीज़ा के सबसे अधिक देशों में सफ़र कर सकते हैं। रिसर्च फर्म ऑक्सफॉर्म के द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार
असमानता दूर करने की प्रतिबद्धता के मामले में 157 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो भारत को मिला है 147वां स्थान। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस समय से देश के 24 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण कराए जाने की घोषणा की गई है, तो ये करवाया जाएगा जनवरी 2019 से। किन्हें हाल ही में भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, तो वो हैं तुषार मेहता, जिनको कि भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। वो यूनिवर्सिटी जिसने हाल ही में वर्ल्ड की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है, तो वो है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी भी है। हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तो इस तूफान का नाम है तितली, जिसने कि दक्षिण भारत में भयंकर तबाही मचाई है। एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए चलाया जा रहा वह कैफे जिसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है, तो वो कैफे है सिरोज हैंगआउट, जिसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है। किनको हाल ही में IDBI बैंक के MD और CEO बनाया गया है, तो वो हैं राकेश शर्मा। रायबरेली के पास इस रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, तो वो गाड़ी है न्यू फरक्का एक्सप्रेस, जिसके डिब्बे पटरी से उतरने के कारण 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। हाल ही में इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ नियुक्त किया गया है, तो वो हैं जनरल असीम मुनीर। ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च की गई नई मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वो है मेडवॉच, जिसको कि भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है वह कंपनी जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड प्रदान किया गया है, तो वो कंपनी है ESIC। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने युवा ओलंपिक 2018 में लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में जूडो में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, वो है तबाबी देवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के इस वरिष्ठ पत्रकार की गुमशुदगी पर चिंता जताई है, तो वो पत्रकार हैं जमाल खशोगी, जो कि काफ़ी विवाद का विषय भी है। इनको सऊदी अरब पहुंचने पर ये गुमशुदा हो गए थे, ऐसी आशंका है कि इनकी हत्या कर दी गई है और ये सऊदी अरब की ये काफ़ी गलत बात भी है। अन्य देश सऊदी अरब को इसके लिए कोसने लगे हैं। वह वैश्विक संस्था जिसकी रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले दुनिया भर में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा फैलाती हैं, तो वो संस्था है ग्रीनपीस। ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा फैलाती हैं। IPCC द्वारा जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा उत्सर्जन स्तर को देखते हुए साल 2030 तक दुनिया का तापमान कितना बढ़ जाएगा, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 17 लोग इस रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे में सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। उसके बाद है इन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN में अमेरिका की राजदूत पद से इस्तीफा दे दिया है, तो है निक्की हेली, जिन्होंने कि UN में अमेरिका के राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जिस राज्य के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले संविधान पीठ के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, तो वो राज्य है केरल।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो उसका आंसर है केरल। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में, और ये वर्तमान में काफ़ी विवाद का विषय भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक उम्र की महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो इष्ट देवता हैं वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी थे, जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन एक फैसले के अनुसार यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर ही पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कंपनियों के लिए 2017-18 का आयकर रिटर्न कोर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी पहले, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी कि ये कंपनियां अब 31 अक्टूबर तक अपनी आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं। हाल ही में किस देश ने अपने युद्धपोत से WWII का प्रतीक उगते सूर्य वाला झंडा हटाने की दक्षिण कोरिया की मांग को खारिज कर दिया है, और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि नौसेना अभ्यास से भी वो देश हट गया है, तो वो देश है जापान। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मिलता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रतीक क्या है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रतीक है उगते सूर्य वाला झंडा, जिस झंडे को जापान ने अपने युद्ध पोत से हटाने से मना कर दिया है, और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि एक नौसेना अभ्यास होता है उससे भी जापान हट गया है। उसके बाद है चीन और किस देश के बीच व्यापार युद्ध के गहराने और बीजिंग की ओर से दक्षिण चीन सागर में सैन्य मौजूदगी में वृद्धि करने को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बीजिंग में मुलाकात की है। दोस्तों बीजिंग है चीन की राजधानी, चीन की कैपिटल है बीजिंग, और वर्तमान में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध काफ़ी गहराता नज़र आ रहा है, और इन दोनों देशों के बीच के पर विदेश मंत्रियों ने बीजिंग में इसको लेकर ही मुलाकात की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना को लॉन्च किया है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने की कुसुम योजना को लॉन्च किया है। वह राज्य जहां मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना लॉन्च की गई है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, द्वारा इस देश की यात्रा के दौरान 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिए जाने तथा 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वो है तजाकिस्तान। RAF की 5 बटालियनों के गठन के बाद देश में कुल कितनी बटालियनों की संख्या हो जाएगी, तो RAF होता है रैपिड एक्शन फोर्स, जिसकी 5 नई बटालियनों के गठन के बाद इनकी कुल संख्या हो जाएगी 15। वो राज्य जिसने आतंकवाद निरोधक बल कवच का गठन किया है, तो वो है वह स्थान जहां जीका वायरस से 22 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हो गई है, तो वो स्थान है जयपुर, जहां पर 22 लोगों के जीका वायरस से संक्रमण की पुष्टि की गई है। उसके बाद है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास JIMEX 7 अक्टूबर 2018 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ, तो वो देश है जापान। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, निकल कर आते हैं। विशाखापट्टनम किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास कब से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2018 से। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित हुआ या इसको शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने इस साल 15 अक्टूबर से CRR, भारत में CRR में जितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, तो इसने 1% की कटौती की घोषणा, भारत में जो इनका बैंक है CRR, इसमें कटौती की घोषणा इन्होंने की है।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि में मजबूती आ रही है और चालू वित्त वर्ष में इसके 7.3% तक बढ़ने व अगले 2 वित्त वर्षों में इसके जितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, तो इसका अनुमान है 7.5% की भारत की आर्थिक वृद्धि दर आगामी 2 वित्त वर्षों में 7.5% तक हो जाएगी। वर्ल्ड चैंपियन भारत ने जिस देश को 144 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है, तो भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर 144 रनों से हराकर 6वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। उसके बाद है नासा ने तकनीकी कारणों से जिस ग्रह पर स्थित क्यूरोसिटी रोवर का एक कंप्यूटर अस्थायी रूप से बंद कर दिया है ताकि 15 सितंबर से निष्क्रिय पड़े इस कंप्यूटर से दोबारा साइंस और इंजीनियरिंग डेटा एकत्रित हो सके, तो वो ग्रह है मंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2018 को जिस राज्य में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस का उद्घाटन किया, तो वो है निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड से श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2018 को किया। किनको हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 114वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, वो है ब्रेट कावाना, जिनको कि अमेरिका के 114वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करवाई गई है। वो राज्य जहां जेल प्रशासन ने देश में पहली बार कैदियों को अपने परिवार और रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान की है, तो वो है महाराष्ट्र। गृह मंत्रालय द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स की कितनी बटालियनों को मंजूरी दी गई है, तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अनुसार 5 रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियनों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद कुल 15 आरएएफ की बटालियन भारत में हो जाएंगी। भारत का वो स्थान जहां एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो वो है पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। यहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। वह क्षेत्र जहां के अल्फोंसो आमो को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, तो वो है कोंकण। यहां के आमो को GI टैग प्रदान किया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, तो वो है विश्व आर्थिक मंच। 10 अक्टूबर 2018 को एशियन पैरा गेम्स इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं, तो वो बने हैं हरविंदर सिंह। करंट इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स के 1 से 15 अक्टूबर तक के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो उसका पार्ट वन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।